ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। कल हमने आप लोगों को गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 58वें अध्याय में भुवन कोष वर्णन, सूर्य तथा चंद्रमा आदि नौ ग्रहों के रथों का विवरण, इस प्रकार से यह प्रसंग श्रवण करवाया था। आज हम आप लोगों को 59वें अध्याय में ज्योतिष चक्र में वर्णित नक्षत्र, उनके देवता एवं कुछ शुभ और अशुभ योगों का योगों तथा मुहूर्तों का वर्णन आप लोगों को श्रवण करवाएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीर। भगवान रुद्र के पूछे जाने पर भगवान विष्णु जो हैं उनको बता रहे हैं और सूत जी महाराज जो हैं ऋषियों को बता रहे हैं। इस प्रकार से यह ज्योतिष चक्र है, इस प्रकार से सब कुछ समझा रहे हैं। केशव ने भगवान शिव से पृथ्वी का परिमाण बताकर, परिमाण पृथ्वी का प्रमाण क्या प्रमाण है, कैसी पृथ्वी है, उसका वर्णन सब कुछ बता करके कहा, हे रुद्र, ज्योतिष शास्त्र की गणना 400,000 में है, पर उनमें से मैं एक ज्योतिष चक्र अर्थात नक्षत्र के से युक्त राशि चक्र का संक्षेप से वर्णन करूँगा जो सब कुछ देने वाला है। श्री हरि ने कहा, हे शिव, कृतिका नक्षत्र के देवता अग्नि हैं, रोहिणी नक्षत्र के देवता ब्रह्मा हैं, मृगशिरा नक्षत्र के देवता चंद्रमा हैं तथा आर्द्रा नक्षत्र के रुद्रदेव कहे गए हैं, रुद्र देवता उनके देवता हैं। इसी प्रकार पुनर्वसु के आदित्य तथा पुष्य नक्षत्र के गुरु हैं, अश्लेषा नक्षत्र के सर्प तथा मघा नक्षत्र के देवता पितृगण हैं, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के देवता भाग्य भग, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के देवता अर्यमा, हस्त के सविता और चित्रा नक्षत्र के देवता तुष्टा हैं, स्वाति नक्षत्र के देवता वायु और विशाखा नक्षत्र के देवता इंद्राग्नि हैं, इंद्राग्नि और अनुराधा नक्षत्र के देवता मित्र और ज्येष्ठा नक्षत्र के देवता इंद्र हैं, शक्र जिनको बोलते हैं इंद्र देवता हैं। नक्षत्रज्ञ विद्वानों ने मूल नक्षत्र का देवता नैऋत्य को बताया है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के देवता आप तथा उत्तराषाढ़ के नक्षत्र के विश्व देव हैं, अभिजित के देवता ब्रह्मा और श्रवण नक्षत्र के देवता विष्णु भगवान हैं, धनिष्ठा नक्षत्र के देवता वसु और शतभिषा नक्षत्र के वरुण देव हैं, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के देवता अजपाद और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के देवता अहिर्बुधन्य अहिर्बुधन्य देवता और रेवती के पूषा, अश्विनी के अश्विनी कुमार और भरणी के भरणी नक्षत्र के देवता यम हैं, प्रतिपदा तथा नवमी तिथि में ब्रह्माणी नाम की योगिनी पूर्व दिशा में अवस्थित रहती है, द्वितीय और दशमी तिथि में माहेश्वरी नाम की योगिनी उत्तर दिशा में रहती है, पंचमी और त्रयोदशी तिथि में बाराही नामक जो योगिनी है वह दक्षिण दिशा में स्थित रहती है, षष्ठी और चतुर्दशी तिथि में इंद्राणी नामक योगिनी का वास पश्चिम दिशा में होता है, सप्तमी और पौर्णमासी तिथि में चामुंडा नाम से अभिहित योगिनी का निवास वायुगोचर अर्थात वायव्य कोण में रहता है, अष्टमी तथा अमावस्या में महालक्ष्मी नाम की योगिनी ईशान कोण में रहती है, एकादशी एवं तृतीया तिथि में वैष्णवी नाम की योगिनी अग्निकोण में वास करती है, द्वादशी और चतुर्थी तिथियों में कौमारी नाम वाली योगिनी का निवास नैऋत्य कोण में रहता है, योगिनी के सम्मुख रहने पर यात्रा नहीं करनी चाहिए, अश्विनी अनुराधा रेवती मृगशिरा मूल पुनर्वसु पुष्य हस्त और ज्येष्ठा नक्षत्र प्रस्थापन यात्रा के लिए प्रशस्त कहे गए हैं, ये इन नक्षत्रों में यात्रा कर सकते हैं, हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ये 5 नक्षत्र तथा उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद
अश्विनी, रोहिणी, पुष्य, धनिष्ठा और पुनर्वसु नक्षत्र नवीन वस्त्र धारण करने के लिए श्रेष्ठ हैं। कृतिका, भरणी, अश्लेषा, मघा, मूल, विशाखा तथा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा फाल्गुनी इन नक्षत्रों को अधोमुखी कहा गया है। इन अधोमुखी नक्षत्रों में वापी, तड़ाग, तालाब जिसको बोलते हैं, सरोवर, कुआं, भूमि, तृण आदि का खनन नहीं करना चाहिए। इन नक्षत्रों में भूमि को खोदना नहीं चाहिए। देवालय के लिए न उसमें से कोई ज़मीन में से कोई पौधा उखाड़ना चाहिए, ना कोई लगाना चाहिए, कुछ भी नक्षत्रों में नहीं करना चाहिए। तालाब भी नहीं खोदना चाहिए, कुआं भी नहीं खोदना चाहिए, सरोवर आदि कोई भी काम, जमीन खोदने वाला कुछ भी काम नहीं करना चाहिए इन नक्षत्रों में। देवालय के लिए नींव आदि के खनन का शुभारम्भ, भूमि आदि में गड़ी हुई धन संपत्ति की खुदाई, ज्योतिष चक्र का गणनारंभ और सुवर्ण, रजत, पन्ना तथा अन्य धातुओं को प्राप्त करने के लिए भोगदानों में प्रविष्ट होना आदि अन्य अधोमुखी कार्य इन अधोमुखी नक्षत्रों में करने चाहिए। जो जमीन के अंदर के कार्य हैं वो अधोमुखी नक्षत्रों में करना चाहिए। रेवती, अश्विनी, चित्रा, स्वाति, हस्त, पुनर्वसु, अनुराधा, मृगशिरा एवं ज्येष्ठा नक्षत्र पार्श्वमुखी हैं। इन पार्श्वमुखी नक्षत्रों में हाथी, ऊंट, अश्व, बैल तथा भैंस को वश में करने का उपाय करना चाहिए, अर्थात उनके नाक आदि में छेद करके छल्ला या रस्सी डालने का कार्य इन नक्षत्रों में करना चाहिए। खेती में बीज बोना, गमनागमन चक्र यंत्र, चरखी, चरसा, रहट आदि यंत्र अथवा रथ एवं नौकादि का क्रय और निर्माण उक्त पार्श्वमुखी नक्षत्रों में करना चाहिए और अन्य पार्श्व कार्यों को भी इन पार्श्व नक्षत्रों में करना चाहिए। पार्श्वमुखी नक्षत्र हैं रेवती, अश्विनी, चित्रा, स्वाति, हस्त, पुनर्वसु, अनुराधा, मृगशिरा एवं ज्येष्ठा। इन नक्षत्रों में ये पार्श्वमुखी नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों में इन कार्यों को करना चाहिए। रोहिणी, आर्द्रा, पुष्य, धनिष्ठा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद तथा सद्भिष वारुण नक्षत्र भी कहा जाता है इसको तथा श्रवण ये नौ नक्षत्र ऊर्ध्वमुखी कहे गए हैं। इन नक्षत्रों में राज्याभिषेक और पट्टबंध आदि शुभ कार्य करवाने चाहिए। ऊर्ध्वमुखी अर्थात अभ्युदय करने वाले, उत्थान करने वाले, प्रदान करने वाले अन्य विशिष्ट कार्यों को भी इन नक्षत्रों में करना चाहिए। जो भी उन्नति के कार्य हैं इन नक्षत्रों में उनको करना चाहिए। चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या तथा पूर्णिमा तिथि अशुभ होती है। इन तिथियों में ऊर्ध्वमुखी कार्य, उन्नति वाला कार्य कोई भी नहीं करना चाहिए। इन तिथियों में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तथा बुधवार से युक्त द्वितीया तिथि शुभ होती है। यदि भूमिपुत्र मंगल से युक्त तृतीया हो, शनिश्चर को चतुर्थी हो, गुरुवार को पंचमी पड़ रही हो, षष्ठी को मंगल या शुक्रवार हो तो ये तिथियां भी शुभ होती हैं। बुधवार को सप्तमी, मंगलवार तथा रविवार को अष्टमी, सोमवार को नवमी और गुरुवार को पड़ने वाली दसवीं तिथि शुभ होती है। एकादशी तिथि में गुरु तथा शुक्र होने पर बुधवार को द्वादशी तिथि पड़ने पर शुक्र तथा मंगलवार को त्रयोदशी और शनिवार को चतुर्दशी तिथि शुभ होती है। इसी प्रकार बृहस्पति को पूर्णिमा या अमावस्या तिथि का होना भी शुभ होता है। द्वादशी तिथि रविवार, एकादशी सोमवार, दसवीं मंगलवार, नवमी बुधवार, अष्टमी गुरुवार, सप्तमी शुक्रवार और षष्ठी तिथि शनिवार को दग्ध होती है। ऐसे तिथि दग्ध योग में यात्रा आदि का शुभारम्भ नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा नवमी, चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में यदि बुधवार का संयोग हो तो उस तिथि में प्रस्थान के विचार का दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। मेष और कर्क संक्रांति की षष्ठी, कन्या और मिथुन संक्रांति की अष्टमी, वृष तथा कुंभ संक्रांति की चतुर्थी, मकर और तुला संक्रांति की द्वादशी, वृश्चिक और सिंह संक्रांति की दशमी तथा धनु और मीन संक्रांति की चतुर्दशी ये दग्ध तिथियां हैं। इन तिथियों में यात्रा आदि
कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, ये कष्टदायक होती हैं। हे शिव, रविवार को विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा का योग, सोमवार के दिन पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा तथा श्रवण नक्षत्र का योग, मंगलवार को धनिष्ठा, सद्विषा और पूर्व भाद्रपद का योग, बुधवार को रेवती, अश्विनी तथा भरणी का योग, बृहस्पतिवार को रोहिणी, मृगशिरा और आर्द्रा का योग, शुक्रवार में पुष्य, अश्लेषा एवं मघा का योग, शनिवार को उत्तरा, फाल्गुनी तथा हस्त, चित्रा नक्षत्र का योग होने पर औत्पादिक योग होता है। उसमें इन योग में गमनादि कार्य करने से उत्पात, मृत्यु और रोग की उत्पत्ति होती है, उत्पात होते हैं इन कार्यों में। उत्पातादि औत्पादिक नक्षत्र योग हैं, ये योग हैं। हे रुद्र, रविवार को मूल, सोमवार को श्रवण, मंगलवार को उत्तरा भाद्रपद, बुधवार को कृतिका, बृहस्पति के दिन पुनर्वसु, शुक्रवार को पूर्वा फाल्गुनी तथा शनिवार को स्वाति नक्षत्र हो तो अमृत योग होता है। ये सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं। विश्वकुंभ योग की 5 घटी, शूल योग की 7 घटी, गंड तथा अधिगंड योग की 6-6 घड़ी, व्याघात और वज्र योग की 9-9 घड़ी एवं व्यतिपाद, परिघ और वैधृति योग ये मृत्युतुल्य कष्टदायी होते हैं। इनमें सभी कर्मों का परित्याग कर देना चाहिए। रविवार को हस्त, गुरुवार को पुष्य, बुधवार को अनुराधा नक्षत्र ये शुभ होते हैं, शनिवार को रोहिणी उत्तम और सोमवार को मृगशिरा नक्षत्र शुभ है। इसी प्रकार शुक्रवार को रेवती तथा मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र शुभ फल देता है। इस प्रकार योग होने पर सिद्ध योग बनता है। ये सिद्ध योग सभी प्रकार के दोषों का विनाश करने वाला होता है। हे वृषभध्वज, शुक्रवार को भरणी, सोमवार को चित्रा, मंगलवार को उत्तराषाढ़ा, बुधवार को धनिष्ठा, बृहस्पति को सद्विषा, शुक्रवार को रोहिणी और शनिवार को रेवती नक्षत्र होने पर विष योग होता है। पुष्य, पुनर्वसु, रेवती, चित्रा, श्रवण, धनिष्ठा, हस्त, अश्विनी, मृगशिरा एवं सद्विषा नक्षत्र होने पर जात कर्म आदि संस्कार करने के लिए उत्तम माने गए हैं। हे शिव, विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, मघा, आर्द्रा, भरणी, अश्लेषा और कृतिका नक्षत्र में यात्रा करने पर मृत्यु का भय रहता है। इन योगों में यात्रा वर्जित है, इनमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से इस ज्योतिष चक्र का वर्णन को हम नक्षत्रों के देवता, इनका जो भी मुहूर्त इत्यादि का वर्णन जो है उसको श्रवण करते हुए यहाँ पर हम 59वें अध्याय को विश्राम देते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। कल हम आपको एक और अध्याय का श्रवण करवाएंगे, उसमें कल हम आपको 60वें अध्याय में ग्रहदशा, यात्रा, शकुन, छीक का फल तथा सूर्य चक्र आदि का निरूपण श्रवण करवाएंगे। तब तक के लिए हरि नाम कीर्तन करेंगे। हरी शरणम। बोले आनंद कंद भगवान की जय। बोले गरुड़ जी महाराज की जय। बोले शंकर भगवान की जय।